रुकिए साथ में। कहाँ रुक पाएंगे, बच्चे हैं वहाँ, अभी कोचिंग वाले आ जाएंगे। अच्छा जा रही है इसलिए, रुकती तो अच्छा भी लगता, थोड़ा सा मजा करते, बातें होती, हंसी मजाक होता। तो ये भी बात सही है, यहाँ आदर्श दूध पी रहे हैं। तो कुछ खाई वाई नहीं फलार उलार में? तो संगीता दीदी जो मेरी छोटी ननद थी वो तो रुकी नहीं, वो घर चली गई, और साथ में जेठान जी आ गई थी यहाँ पे, वो भी चली जाएंगी अभी शाम तक। मैं कह रही थी मैं जाइएगा, लेकिन वो कह रही थी नहीं, बच्ची को घर पे छोड़ के आए, उनकी भी बिटिया है वो भी स्कूल जाती है। तो फिर ये था कि इलाहाबाद बहुत पास है हमारे, मतलब ससुराल से लगभग 1 घंटे का 1.5 घंटे का ही सफ़र है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, फिर दीदी क्या कहें, तो बस उनसे बातें शातें कर रहे थे। यहाँ दर्श सो करके उठे थे तो रो रहे थे, तो उनको मैं कपड़े पहना रही थी, पूरा गीला कर लिए थे ऊपर। यहाँ जब से आया ना, इधर उधर उछल कूद यही सब इनका चल रहा था। कौन दिख रहा है ये वीडियो में, ये कौन दिख रहा है? कौन डैडी हो गया? किसी ने क्या है वो बटरफ्लाई देखो, निशा वो मनीषा वो बनाई है, और ये हेयर स्टाइल बनाते हुए निशा का हेयर स्टाइल का सिंपल हेयर स्टाइल। हाँ कौन वाला सागर चोटी बना रही हो? अरे वाह आशा बन गया क्या? अरे गजब, ये है इसको कहते हैं ये सागर वाली चोटी ना। अब यही सेम चोटी मनीषा का बनने जा रहा है, उनकी सिस्टर बना रही है, निशा का बनने जा रहा है, मनीषा बना रही है, निशा मनीषा। क्या है क्या है ये बटरफ्लाई? अभी लैटरी वैटर धुला करके फिर लेकर के आई हूँ इधर, दर्श अपने पापा के पास है, और ये है निशा का कमरा, सब बैठे हैं। उनके बेटे तो वही तो दिखे जितना लड़का की हमार बहन उर्मिला का बहन रेखा का बहन ये सब जितना सब बाप का रोल अदा सब सब लड़के लड़के वैसे माफ जाते हैं ना, लेकिन बाप पे ही आते हैं, बेटियां बाप का सबसे अधिक भैया के जैसे लगता है। ऐसे हो ये आशा मेरी ननद, तीनों बहने हैं पापा पे, और ये है मेरे लल्ला लल्ला पल्ला है। नमस्ते कर दीजिए। अच्छा बेटा नमस्ते करिए पहले बुआ जी। नमस्ते नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते करते हैं वो कर दो, बेइज्जती करा देते हैं बच्चे सामने नहीं करेंगे ऐसे अकेले में। बेटा नमस्ते प्रणाम जो सब करते हैं, और जब सही में करना पड़ता है तब पे वो हट जाते हैं पीछे, ये हाल है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बैकग्राउंड से दिख गया, ससुराल में है और बाबा की गोदी में अर्श है, और जो सॉरी दर्श बाबा की गोदी में, अर्श यहाँ पे चल रहे हैं बाहर साइड। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे बच्चों को टहलने के लिए, बड़ा सा द्वार मिल गया है खेलने के लिए, एक बाबा की गोदी के में है, एक तो इधर उधर टहल रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। अरे दादा रे प्रसाद खा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो भाई को देखो क्या कर रहा है, तुम भी खा जाओ। चटवाओ चटवाओ बीच में चटवाओ बीच में। तो मेरी जो देवरानी छुट्टी वाली वो भी जा रही है, तो उससे पहले ये था कि बच्चों को चलो चिज्जी वगैरह दिला दे, उनके दोनों बच्चों को भी रास्ते में खाने के लिए हो जाएगा, और मेरे भी जो बच्चे हैं उनको भी। देवरानी दिला रही थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं बड़ी हूँ मैं ही दिलाऊंगी, तो बस यहीं पे सामने पंडिताई ने उन्हीं का ही है दुकान सामने साइड में, तो बस उसी में ही जाएंगे अभी हम लोग चिज्जी लाने। उससे पहले सब बच्चे ठेलिया पे जो होता नहीं सामान लादने वाला उसी पे टहल रहे थे, तो सबको पहले उतारे फटाफट से, ठेलिया वो अंदर खड़ा करी, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को चिज्जी वगैरह दिलवाया अंदर। ये छोटी सी दुकान अंदर खोली है, पंडिताइन दाई कहा जाता है। तो बस हस्बैंड जी जा रहे थे छोटी को छोड़ने के लिए बाइक से, मतलब चौराहे पे, वहाँ से वो बस पकड़ लेगी तो छोटी भी आज चली जाएगी, बस हम लोग यहाँ पे बैठे, बड़ी दीदी अभी रहेंगी और मामी जी
ये आई हैं यहाँ पे, मौसी हैं, बाकी वाली मामी कह रही हूँ, मौसी जी भी हैं, उनकी बिटिया भी है, तो अभी तो सब हैं यहाँ पे। बाकी देवरानी हमारी जा रही है और ननंद भी चली गई हैं, जो संगीता दीदी आई थी वो भी। तो बस देवरानी को चौराहे तक इनके पापा छोड़ने जा रहे थे। अर्श रो रो के बुरा हाल, उनको बैठना है बाइक पे, एकदम परेशान कर रहे थे अर्श दर्श दोनों के पापा, कहाँ जा रहे हैं। ये वाला हुए हैं दाई है, दाई पंडितानी भाभी हैं, बस उन्हीं के आए हुए हैं। और बस मैं यहाँ इंजॉय कर रही थी चाय ये, और चाय पी के ख़त्म हो गया है। और यह बच्चे गए अंदर लेने के लिए चिप्स विप्स की दुकान वगैरह है इनकी दाई की, तो रिद्धि लेकर के आ गई है चिप्स। क्या खरीदी रिद्धि? समोसा तोड़ती ला, लाई दाई समोसा तोड़ के। ये समोसा नहीं है, ये नहीं है समोसा, ये नहीं, हम ये नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा ले यार, इनको लाइट जलाओ, लाइट जला लो। तो यहाँ पे दाई भी बैठी है, दाई से गप्पे लड़ा रहे हैं, और दाई ने बहुत टेस्टी चाय बनाया था, दाई से खुलवा लो। तो बस दाई भाभी बोलते हैं, बस यहाँ के लोग दाई कहते हैं, पंडिताइन भाभी हैं। बस यहाँ पे गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, और यहाँ पे धान भी सूख रहा है। तो इस समय धान कटाई क्या चल रहा है, कट चुका है सबका धान, और इस तरीके से कटने के बाद सुखाते हैं ना इसको फैला करके, तो इस तरीके से धान को फैला करके सुखाते हैं। और ये है समोसा, बच गया। क्या दाई? ये क्या बनाई है? बिरयानी के साथ बिरयानी, थोड़ा इसको भी खा लो, बच्चों वाला चीज, बच्चों वाला चीज बहुत टेस्टी है। मस्त, दाई ने भी चाय खत्म कर दिया, दोनों ने चाय पार्टी कर रहे थे। क्या कर रहे थे दाई? चाय पार्टी, बस इस तरह चल रहा है, गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। टुक टुक, और टुक टुक वो है, इस तरीके से धान सुखाया जाता है काटने के बाद। तो ये चल रहा है, फिर मिलते हैं। तो बस कुछ नहीं, दाई के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही थी, बातें हो रही थी, कुछ उनकी बातें कुछ अपनी बातें बस ऐसी। और दाई ने इतनी मस्त चाय बनाई थी अदरक वाली ना, एकदम मन खुश हो गया था वाला। उसके बाद फिर मैं उनकी दुकान में अंदर गई, मैंने देखा नेटलेस वगैरह थे, और ये जो सामान है गाँव के जितने भी लोग हैं ना यहीं से आते हैं, बच्चे बच्चियाँ, टोटल हर सामान मिलता है, मेकअप से लेकर के किराने के सामान से लेकर सब चीज़। तो इस तरीके के नेटलेस से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये वाला भी, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था, दाई 250 रुपये का था, और ये दूसरा वाला जो मोती वाला था 150 रुपये का था। कंगन वगैरह भी यही 50-60 ऐसे ही थे, काफ़ी अच्छे अच्छे थे कंगन, लेकिन मैंने लिए नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। मसाला दाय पीस रही है ना चाची, क्या 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 मिला रहता है चाची मसाला में? ढेर मिला, का का सामान जैसे ढेर का, ये ढेर का होता है ढेर। अब प्याज पीसेंगे, गांव में सिल पे पीसा हुआ के मसाले का जो सब्जी बनता है उसकी बात ही दूसरी होती है। ये है, और यहाँ ये हौदा है, पहले यहाँ पे दूध दूध गढ़वा कहते हैं ना, दूध यहाँ पे गर्म होता था। शाम, और मैं हूँ किचन में, चाची जी मसाला पीस रही हैं यहाँ पर, और छोटी उधर साइड है, उधर जो खाना बनाता है वो नहा धो के साफ चिकन हो गया ना, धोती बदल के वहाँ आ जा सकते हैं, बाकी किचन के बाहर बाहर वर्क करा सकते हैं, काम जो कराना है। तो वहाँ छोटी पे बना रही, छोटी क्या बना रही हो आज? बन रही है पनीर पुलाव भी बना रही हो? पनीर पुलाव आज है रात का डिनर ये, और पूरी ये है। दर्श वहाँ पे है, वो बैठे हुए यहाँ पे, इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने बैठने के लिए बीड़ा है, आप लोगों क्या बीड़ा है कि नहीं कमेंट करके जो बताएगा उस पर मैं बैठ गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ फटाफट से पनीर के पीसेस काटने लग गई, मैंने कहा कि लाओ मैं काट देती हूँ, छोटी कितना अकेले करेगी। ये होता है ना कि बाहर साइड से किचन से हेल्प करा सकते हैं, बाकी जो चूल्हे पर बैठता है वो ना धो करके धोती बदल के मतलब खाना आता है। फिर टमाटर वगैरह साइड वर्क जितना था, प्याज टमाटर ये सब मैंने सब काट दिया था, और बातें भी कर रही थी। किचन में ना ठंड के समय चूल्हे पे जो खाना बनता है ना वहाँ बड़ा मजा आता है। यहाँ प्याज हमारे घर का किचन कुछ इस तरीके से है, दिख रहा होगा, यहाँ कंडी ऊपरी रखी गई है, इसका यूज होता है खाना बनाने के लिए, जैसे कि चूल्हे पे बनता है, चावल चढ़ रहा है, चावल बन रहा है, और गैस पे ले गई है निशा मटर चढ़ाने के लिए। दर्श आ गए, दर्श थोड़ा नहीं, डायरेक्ट आओ दर्श,
कहाँ जा तू? मम्मी दूध ले। मम्मा जा रही दूध लेने के लिए अर्श दर्श के पीने के लिए। खड़ी भाई चाची आ रहा है। आ जाओ क्या हुआ? तो आज हम आपके साथ गांव में चूल्हे पर किस तरीके से पनीर की सब्जी बनाते हैं, मसालेदार पनीर मटर की सब्जी, वो रेसिपी भी आज के आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। सारी तैयारी हो गई है, मसाला वगैरह पिस गया है, सारा मसाला सिल पे पिसाया है ना चाची? सब मसाले सिल पे पीसे हुए हैं। यहाँ पे ये गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, जो होता है धनिया खड़ी सूखी उसको पीसा गया, हल्दी पीसा गया है, गरम मसाला पीस के यहाँ रखा गया है, टमाटर पीसा गया है लगभग 5 से 6 टमाटर, और साथ में प्याज वहाँ पे पीस के रखा हुआ है लगभग 10-10 प्याज समझिए, ठीक है। और तड़के के लिए वहाँ पे लगाया गया है 2 प्याज काट करके रखा गया है, तड़के के लिए मिर्चा रखा गया है, 4 से 5 मिर्चा ले लिए हैं। अभी चावल बन रहा है, सॉरी चावल बन चुका है, आप कढ़ाई चढ़ा दिए पनीर को तड़का लगाने के लिए। मटर चाहिए, मटर चाहिए 2 पैकेट मटर, तो वो उबलने के लिए अंदर रखा गया है, सीटी 1 दिला देंगे ताकि मटर गल जाए अच्छे से, उसके बाद यहाँ बात करेंगे। हमारे यहाँ गैस भी है अंदर गैस पे, लेकिन चूल्हे पे जो खाना बनता है चूल्हे के खाने की जो स्वाद होते हैं ना वो अलग ही होता है। तो आज हम आपको चूल्हे पर किस तरीके से मटर पनीर गांव के स्टाइल में बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आ गई है छोटी, छोटी किचन का जो चूल्हा है वो संभाल रही है, और बाहर बाहर साइड वर्क में थोड़ा बहुत मैं हेल्प करा दे रही हूँ। तो चलिए आज मटर पनीर है ना आपके साथ शेयर करते हैं। करे छोटी बनाने चल रही हो? अभी रुक के थोड़ा सा। तो नहीं आया। क्या नहीं आया? अच्छा अंदर बोली हो, तेल मसाला आने का भी इंतजार हो रहा है, वहाँ अंदर से आएगा। तो हमारा किचन कुछ इस तरीके से, ये सरसेटा बोलते हैं, हाँ। सरसेटा ऊपरी इसको लगा करके ही यहाँ खाना बनता है, तो इस तरीके से चल रहा है। भैंस भाग गई का? क्या लाए थे तो प्रदीप? 4-5 आइटम। इस्माइल, इस्माइल प्लीज, प्रदीप मेरे लिए लेकर के आए हैं 4-5 आइटम। क्या है इस पोटली में खोलने के बाद पता चलेगा कौन कौन सा आइटम है। चाइनीज आइटम खाए थे, क्या क्या खाए थे बता नहीं सा? फ्रेंच फ्राइज था, फ्रेंच फ्राइज है, और मंचूरियन, मंचूरियन और रोल, रोल थोड़ा सा आया था, खाने वालों की संख्या ज्यादा थी, सबके हिस्से में एक एक दो दो ऐसे आया था बस। तो ये है, तो चलिए फिर अब रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैसे बनाते हैं पनीर की सब्जी गांव में। तो यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले जो होते हैं खड़े वाले उसको भून लेंगे ऐसे वाला मसाला, वो राजेश का पनीर मसाला भी मंगा लिए हैं अलग से, ये अलग से डलेगा 3 पैकेट मसाला जो है वो भून करके हो गया है रेडी लगभग। ये 2 कैचू तेल है, 2 कैचू तेल। तो इसमें जीरा डालेंगे हम लोग, तेज़पत्ता। उसके बाद जब हमारे जो खड़ा मसाला डाला हमने वो अच्छे से पक जाए, तो उसके बाद हमने यहाँ पे 3 प्याज काटे थे वो डाल देंगे, 3 प्याज डाल देंगे। उसके बाद खड़ा मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जो पीसा गया था उसी में ये जो पनीर मटर मसाला है 3 पाउच वो इसमें मिला देंगे अच्छे से, और हमारा प्याज जब ब्राउन हो जाएगा हल्का तो जो प्याज हमने पीस के रखा हुआ था लगभग 5 से 6 प्याज थे बड़े वाले साइज उसको भी इसी में मिला देंगे और अच्छे से चलाएँगे। फिर प्याज जब हरा हो जाएगा तो जो मसाला यहाँ पर था ना पिसा हुआ रखा हुआ उसको हम लोग इसमें डाल करके चलाएँगे, उसका पानी भी धीरे धीरे इस तरीके से मसाले में डालेंगे, और फिर उसके बाद टमाटर डाल देंगे जो टमाटर भी पीस के रखा था हमने, 4 से 5 टमाटर थे बड़े साइज, और यहाँ पे मटर भी हमारी बॉईल हो गई थी इसको अंदर गैस पे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो बस यहाँ पे हमारा मसाला जब रेडी हो जाएगा तो इसमें जो पनीर हमने काटी है मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ टाइप में काटा था ताकि सबको हट जाए वाला था, और फिर बस थोड़ा सा चलाएँगे, इसी बीच में इसमें मटर भी हम लोगों को डाल देंगे क्योंकि मटर तो वैसे भी पक चुका है और ज़्यादा पनीर को चलाया नहीं जाता नहीं तो टूट जाता, पनीर बड़ा सॉफ्ट था यहाँ का
तो बस उसको लगा देंगे, कंडी लगा देंगे थोड़ा सा आँच उच को धीमा तेज करने के लिए ना, पानी के छिटे बटे डालते हैं और ढक देंगे ताकि वो मीडियम आँच में पकता रहे। बस हमारा पनीर यहाँ पे अच्छे से भुन गया, इसमें फिर हमें पानी डाल देना 5 मिनट बाद, मतलब भुनने के बाद। यहाँ जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 लोटे पानी डाला था और फिर स्वाद अनुसार नमक डाला दिया था और 5 मिनट में बस हमारी पनीर बन जाएगी। ढक के पकने देंगे, थोड़ा सा उबाल उबाल आ जाए, 5 मिनट में पनीर बन के रेडी। यहाँ धनिया कट के रखा, जब पनीर बन जाएगा तो उसमें धनिया डाल देंगे। देवरानी जेठानी, मैं जेठानी, ये देवरानी और ये चूल्हे की जो पनीर की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चूल्हे पे किस तरह से मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं, ये थी रेसिपी। एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है ना, अलग सा स्वाद आता है, सोना सोना टाइप का ना, इस तरीके से है। और साथ में क्या बनेगा, पूड़ी, पूड़ी बनेगा, पुलाव बनेगा और पनीर बन गई। बस ये है खाना, दाल भी है, बच्चों के लिए दाल चढ़ाया है। हाँ, तो ये इतना खाना बन गया है हमारा। किचन थोड़ा सा, एक लाइट लगी हुई है वाली, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लुक आ रहा है। बस किचन से मैं बाहर निकली तो यहाँ पे सब अलाव जलाते हैं, तापते हैं, शाम के समय में सब बैठे बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं कही चलो अंदर चलते हैं। तो आज थी एकादशी का दिन है, ये एकादशी वाला भी वीडियो जा रहा है। तो निशा अंदर दिया सब तैयार कर रही थी, घर के दरवाजे पे हर जगह दिया रखा जाता है ना, कहते हैं कि देव दीपावली भी होती है। तो बस वही यहाँ पे रेडी कर रही थी, मैं भी यहाँ से दिया ले ली, अपना बना ली, मैंने भी पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद इस कमरे में आई बच्चों की, तो बच्चे यहाँ अपना ही अलग मस्ती मूड में मस्त थे यहाँ पे, रिद्धि टुक टुक हर्ष दर्श। और उसके बाद फिर अंदर आई, मैं अपने कमरे की लाइट जलाया और यहाँ पे भी दिया रख दी थी निशा ने जला करके। पूरा घर फैला हुआ है, बच्चे हैं ना तो बार बार साफ़ करना नहीं हो पाता है फैला। तो यहाँ बस फिर वह बाहर, वहाँ से मैं अंदर आई ना तो अर्श मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, यहाँ पानी काफ़ी गिरा था। फिर मैंने कहा आ जाओ अंदर, फिर डायरेक्ट मैंने शूट उस वक्त नहीं किया, खाने का शूट किया। रिद्धि छुट्टू भी कमरे में ही खा रहे थे और मेरा भी खाना आ गया था, पूड़ी पहले था, फिर मैंने कहा नहीं रोटी खाएँगे, पूड़ी भी बनी थी, मैंने बस रोटी ली है, पुलाव है और पनीर की सब्ज़ी है। और इतनी यम्मी टेस्टी पनीर की सब्ज़ी लग रही थी, चूल्हे का अलग ही स्वाद आ रहा था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से बना के, बहुत मस्त मतलब बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। और अर्श दस के लिए मैं छोटे गिलास में पानी ले जा रही थी, बाहर अर्श दर्श बैठ के खाना खा रहे थे, निशा मनीषा दोनों खिला रही थी यहाँ पे। तो बस मैं भी ला ली अपनी थाली और यहाँ पे बैठ के खाने लगी हस्बैंड जी के साथ। अम्मा भी खा चुकी थी तब मैं यहाँ पे खा रही थी। और इस तरीके फाइबर के गिलास रखे हुए थे क्योंकि आज पूजे में लगे थे ना, दुरदुरिया का पूजा था। वाला ब्लॉग जरूर देखेगा, अभी तक नहीं देखे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।